इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फिनिक्स मोबाइल में कॉल आने पर फुल स्क्रीन फोटो कैसे सेट किया जाता है। तो अगर आपके पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जब भी किसी का कॉल आए तो उसका फुल स्क्रीन फोटो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो, तो उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो इन्फिनिक्स मोबाइल में कॉल आने पर फुल स्क्रीन फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फुल स्क्रीन कॉलर आईडी। सर्च करने के बाद आपको इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो तीर का आइकन है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद जो भी परमिशन आएगा उसे अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन कॉलर आईडी मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद बैक होना है, बैक होना है और यहाँ पर आपको फिर से इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फुल स्क्रीन कॉलर आईडी पर क्लिक करना है और सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर से इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका सारा सेटिंग सही हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे यहाँ पर आपको सभी कॉन्टैक्ट शो होने लगेंगे। तो आप जिस कॉन्टैक्ट में फ़ोटो सेट करना चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैमरा का आइकन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पिक फ्रॉम फोन पर क्लिक करना है और गैलरी से उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप इस नंबर में सेट करना चाहते हैं। तो आपके गैलरी में जो भी फ़ोटो है उसे सेट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो जो है उस कॉन्टैक्ट में सेव हो जाएगा।